सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं माथे के पसीने में मिलती है। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। हमारा मकसद जीवन में सफलता प्राप्त करना अवश्य होना चाहिए, परंतु दुष्टों को असफल करने का लक्ष्य कभी ना बनाएं। आज का पंचांग 29 सितंबर 2020 दिन मंगलवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:33 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र रात्रि 12:48 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:14 से 4:43 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:53 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 29 सितंबर 2020 दिन मंगलवार, आप कई जवाबों को ढूंढ रहे हैं। शायद अपने मार्गदर्शन के लिए आप ध्यान करेंगी। अभी थोड़ा एकांत प्रिय होना समझदारी है। अच्छी तरह से आराम करें और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें। माता के समान कोई स्त्री खुद का विश्लेषण करने वाले चरण में आपकी मदद कर सकती है। आज के दिन आपकी गंभीरता और सोच की गहराई को प्रदर्शित करने का है। अपनी अंतर शक्ति के कारण आज आप अलग महसूस करेंगी। हो सकता है कि आज आपके मन में दूसरों की सेवा करने की तीव्र इच्छा जागे। अधिक काम करने से बचें और खुद पर समय बिताएं। वर्तमान समय सपने साकार करने का है। बुजुर्गों के मार्गदर्शन से मुश्किल राह आसान हो जाएगी। धैर्य पूर्वक किए गए कार्यों का नतीजा भी शुभ मिलेगा। लाभ होगा पर धीमी गति से। एक लक्ष्य पूरा होने के बाद हम तुरंत किसी और नए लक्ष्य की तरफ भागना शुरू करते हैं और यही हमारी बातें हमें जीवन के प्रगति और अनिर्णय की स्थिति वाला बना देती है। इसलिए आप जहां है वही बात का पहले आनंद लें और फिर अपने नए लक्ष्य की ओर जाने की कोशिश करें। काम से जुड़ा निर्णय अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रख कर लें। सावधानियां, काम को टालने की प्रवृत्ति नुकसान दे सकती है, परंतु जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद भी उठ सकता है, परंतु धैर्य बनाकर रखने से जल्द ही हल निकलेगा। लव लाइफ की बात करते हैं। रोमांस और यौन सुख आपकी जरूरत है, इससे आपका संबंध अटूट बनेगा। दादा नाना के स्वास्थ्य के कारण अस्पताल जाना पड़ सकता है। अपने साथी को अपने प्यार का सबूत देना ना भूलें और इसके लिए आपका एक आलिंगन ही काफी है। आज आपकी इच्छा दूसरों की सेवा करने की है। प्रेमी के साथ आप बेहद रोमांटिक उत्साही पलों को महसूस करेंगी। धन से जुड़े मामलों को अपनी रोमांस से दूर रखें। धन जीवन की जरूरत है, लेकिन अगर आप दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी और साथ ही आपकी चाहत का पेड़ भी फलेगा फूलेगा। करियर की बात करते हैं। अतिरिक्त काम या निजी कारणों के कारण आपको तनाव या मानसिक समस्याएं हो सकती है। इससे बचने के लिए खुद के लिए समय निकालें। सपना पूरे करने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं। इस समय दीर्घकालीन निवेश ना करें, इससे हानि होने की संभावना है। आज आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। आज कुछ कुछ आश्चर्यजनक परिणाम देखकर आप सबको प्रभावित कर लेंगे। दूसरों की सेवा की इच्छा आपको औरों से अलग बनाती है। खुद को बहुत व्यस्त ना रखकर कुछ समय अपने लिए निकालें। अपने शौक और
मनपसंद काम करना ना भूलें। सेहत की बात करते हैं, कोई छोटा सा तनाव भी आपको परेशान कर सकता है, उसे रोकने का तुरंत प्रयास करें, क्योंकि अगर यह परेशानी बढ़ेगी तो आपको ज्यादा कष्ट होगा। आपकी नकारात्मक सोच भी आपके अच्छे स्वास्थ्य प्राप्ति के मार्ग की बाधा बन सकती है। पूरा आराम करें और मनचाही क्रिया करें जो आपके शरीर और दिमाग को आराम दे। आप तनाव से सकारात्मक और नकारात्मक असर के लिए भी जागरूक रहें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।